छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल इंडियन ओवरसीज बैंक के शाखा प्रबंधक ने शिकायत दर्ज कराई है कि गलत जानकारी देकर बैंक से 14,56,09,663 रुपए का लोन लिया गया। साथ ही 80 लोगों की सूची सौंपी है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बैंक प्रबंधक इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा बेमेतरा रज्जू पाटनवार द्वारा तत्कालिक बैंक प्रबंधक विनीत दास एवं उसके अन्य साथी कमलेश जोहन नागेश टीकाराम के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है कि इनके द्वारा नियम विरुद्ध लोन देकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की है।